લોકડાઉનની સ્થિતિ વચ્ચે વાતાવરણમાં પણ પલટો આવ્યો છે। કચ્છમાં છેલ્લા 2-3 દિવસથી ભારે પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે। કચ્છના હવામાનમાં 2-3 દિવસથી પલટો આવ્યો છે। ધૂળની ડમરીઓ ઉડવા સાથે વાતાવરણમાં પણ ભારે પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે। ગરમીનું પ્રમાણ પણ વધવા પામ્યું છે। દેશમાં વાવાઝોડું આવવાની ભીતિ છે। જો કે કચ્છના દરિયાકાંઠે હજી કોઈ મૂવમેન્ટ જોવા મળી નથી। અરબી સમુદ્રમાં સર્જાયેલી સાયક્લોનની અસર કચ્છમાં અત્યાર સુધીના અપડેટ પ્રમાણે જોવા નહીં મળે। જો કે પવન ફૂંકાશે તેવું ભુજના હવામાન શાસ્ત્રીએ જણાવ્યું હતું। વાવાઝોડાની અસર સંદર્ભે પણ તકેદારી છે। વરસાદ અંગે તેઓએ જણાવ્યું છે કે હજી કેરળમાં પણ ચોમાસું જામ્યું નથી। જૂનના પ્રથમ સપ્તાહમાં કેરળમાં વરસાદ આવ્યાના 20 દિવસ બાદ કચ્છમાં વરસાદ પડી શકે તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરી હતી। देखिए कच्छ के हवामान की बात करें तो जैसा अभी चल रहा है लगभग वैसा ही माहौल अभी बना रहेगा 4-5 दिनों तक। मतलब हवा में थोड़ी तेजी रहेगी और मेनली क्लियर स्काई रहेगा और डस्ट थोड़ी सी जरूर रहेगी क्योंकि हवा तेज रहेगी तो डस्टी वातावरण भी थोड़ा सा रहेगा। जहाँ तक तापमान की बात है न्यूनतम तापमान आपका 26 से 27 डिग्री तक जा सकता है और अधिकतम तापमान आपका 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बना रहेगा। नहीं ये जरूर मैंने भी देखा है कि सोशल मीडिया पे चला है जबकि अभी ऐसी कोई आधिकारिक टिप्पणी हमारे विभाग की ओर से नहीं की गई है। हालांकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जिसको चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र कहते हैं वो एक साउथ ईस्ट अरेबियन सी और उसके आसपास बना है जो कि केरला कोस्ट के आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर बना हुआ है। उस पर हमारी निगरानी जारी है। हालाँकि अभी वो सिर्फ साइक्लोनिक सर्कुलेशन है तो अभी चक्रवात तो बहुत आगे की बात है क्योंकि अभी लो प्रेशर सिस्टम भी नहीं बना है वहाँ पर। वो जस्ट एक 5.8 किलोमीटर हाइट पर जो कि समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जरूर बना हुआ है। सर अभी ये बारिश कब तक आएगी? देखिए जहाँ तक बारिश की बात है अभी तो मानसून में ही मानसून जो है केरला में ही सेट नहीं हुआ है जो कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में सेट होने की संभावना है। उसके 15 से 20 दिनों के बाद जो है कच्छ में बारिश की संभावना बनेगी। हालाँकि फर्स्ट वीक ऑफ जून में कहीं कहीं बारिश का अनुमान जरूर जताया जा रहा है। हालांकि अभी ये 2-3 दिन के बाद क्लियर हो पाएगा कि बारिश का कुछ होता है कि नहीं होता है। हालांकि अभी तो ये जहां तक जैसे मैंने पहले बताया कि 4-5 दिनों तक अभी तो कोई बारिश की संभावना नहीं दिख रही है। यहां खुशबू है उत्साह की, यहां हर पल एक उत्सव है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कच्छ की। कच्छ के लोग जीवन को सजाते हैं रंगों से, कला से, संगीत के सुरों से। अमित जी ने सही ही कहा है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। इसी कच्छ में हम आपका स्वागत करते हैं द विला में। द विला एक ऐसी अनोखी जगह है जहां आधुनिक सुविधाएं भी है और प्रकृति से नजदीकी भी। 108 एकड़ में बसा ये प्रोजेक्ट खूबसूरत वादियों के बीच में है। द विला से भुज शहर सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है। मुंद्रा पोर्ट जहां कच्छ का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है और टूरिस्ट अट्रैक्शंस जैसे व्हाइट रन और मांडवी बीच बहुत आसानी से और कम समय में पहुंचा जा सकता है। द विला का प्रवेश द्वार 17,000 नेचुरल पत्थरों से बना हुआ है जिसकी ऊंचाई 25 फीट है। यह प्रवेश द्वार कच्छ के हेरिटेज पैलेसेस से प्रेरित होकर बनाया गया है। द विला एक बेहतरीन प्लानिंग की मिसाल है जिसको जर्मन आर्किटेक्चरल कंपनी ब्लोकर एंड ब्लोकर पार्टनर्स ने डिजाइन किया है। यहाँ पे 80% खुली जगह और बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो दे रहे हैं भारत के सभी शहरों से ज्यादा शुद्ध हवा। द विला में आपको घर की प्राइवेसी, रिजॉर्ट की लग्जरी और कुदरत का सानिध्य तीनों एक साथ मिलेंगे। द विला आपको शाही विरासत का रोमांच और मॉडर्न लिविंग का एहसास एक साथ कराता है। द विला आपकी जरूरतों और अंदाज को बखूबी समझता है और आपकी पसंद नापसंद का भी ख्याल रखता है। यहां आप और आपका परिवार मिलके अपना प्लॉट चूज कर सकते हैं और फिर आपकी पसंद की डिजाइन के मुताबिक द विला की टीम आपके लिए एक खूबसूरत आशियाना बनाएगी। द विला टाइम स्क्वायर प्रॉपर्टीज का एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है। टाइम स्क्वायर प्रॉपर्टीज बेहतरीन क्वालिटी, आर्किटेक्चर, इंटीरियर, कस्टमर सर्विस और वर्क एथिक्स में नए बेंचमार्क सेट कर रही है। द विला में आपकी जिंदगी को हैपनिंग बनाने की सारी सुविधाएं हैं।
द विला में एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन के लिए 1,00,000 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा जगह का एक ग्रैंड क्लब हाउस है। ये कच्छ का पहला ऐसा क्लब हाउस है जिसमें स्विमिंग पूल, स्पा, सैलॉन, सिनेमा, बोलिंग, स्नूकर, कार्ड रूम और होटल रूम जैसी ढेर सारी अमेनिटीज है। तो साथ में शादी जैसे शुभ प्रसंगों के लिए बैंक्वेट हॉल और पार्टी प्लॉट भी है। द विला में आपकी स्पोर्ट्स और फिटनेस का भी ध्यान रखा गया है। तभी तो यहाँ पर एक हाई टेक जिम है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लॉन टेनिस, बैडमिंटन, 9-होल गोल्फ, स्क्वाश, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट ग्राउंड भी है। यहाँ पे आपके स्वादिष्ट भोजन का ख्याल रखने के लिए कैफे और रेस्टोरेंट भी है जो आपकी सेवा के लिए 24 घंटे हाजिर रहेंगे। इसके साथ साथ कच्छ का पहला डिस्कोथेक खास आपके मनोरंजन के लिए होगा। यहाँ आपकी रोज की जरूरतों के लिए सुपरमार्केट भी है। यहाँ आपकी सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमराज हैं, गेटेड कम्युनिटी है। यहाँ रहने वाले परिवारों के लिए द विला एक बेहद सुरक्षित जगह है। यहाँ आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए इंटरनेशनल स्कूल सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर है और शॉपिंग के लिए मॉल 10 मिनट की दूरी पर। जब मॉल ना जाकर प्रकृति के पास रहने का मन करे तो आप सेंट्रल ग्रीन बुलेवार्ड और गार्डन में वक्त बिता सकते हैं। यहाँ आपको किड्स प्ले एरिया, जॉगिंग ट्रैक और खूब सारी खुली जगह मिलेगी जहाँ आप योगा और ध्यान कर सकते हैं या अपने परिवार के साथ मिलकर सभी त्योहारों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर आपकी हर छोटी से छोटी जरूरत का ध्यान रखा गया है। सिर्फ यही नहीं, ये सब आपको मिल सकता है आपकी गाड़ी के EMI से भी कम EMI पर। तो चले आइए, यहाँ आपके सपनों का घर सिर्फ एक सपना नहीं, हकीकत है जो आपका इंतजार कर रहा है। द विला में आपका स्वागत है।